हरी बोल हरी हरी बोल। राधे राधे जी जी। तो ये देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमें दही अरबी अपनी माता रानी के लिए कैसे मनानी है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने ले ली है ये अरबी, जिसको मैंने बहुत बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे प्रेशर कुकर होने को रखूँगी केवल 1.25 सीटी के लिए। 1 से 1.5 सीटी ही आनी है, क्योंकि इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अरबी अपनी बॉयल होने को रख दी। अब मैं इसको प्रेशर कुकर लगा दूँगी। ये हमारी घुइयाँ बॉयल हो चुकी है, और ये कुछ इस तरीके से बॉयल हुई है कि बहुत ज़्यादा भी मैंने इसको बॉयल नहीं किया है, और बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। दही, अब दही को हमें क्या करना है, दही को हमें बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है, बहुत बहुत अच्छी तरीके से। आप घुइयाँ के हिसाब से अपनी दही लीजिएगा। मेरी घुइयाँ मैंने इतनी ही ली है, इसलिए मैंने दही की क्वांटिटी इतनी रखी है, नहीं तो आप लोग दही और भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घुइयाँ छिल गई है, अब मैं इसको जो है इस तरह से कट कर लूँगी। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, और ये जो ऑयल मैंने ऐड किया है, देखिए, इसमें अभी मैं अपनी घुइयाँ को फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें जो है, अब मैं इसको हल्का सा क्रश करके अजवाइन को इसमें डाल दूंगी जी, जैसे ही हमारा अजवाइन हो जाता है, इसकी फ्रेग्रेंस एक बहुत ही अच्छा वाला अरोमा आ जाता है, हम अपनी इसमें धनिया ऐड कर देंगे डायरेक्टली। और ये जो धनिया है, इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल क्रिस्पी। देखिए, ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, ये एक तो मैं ये आज मैं बॉईल वाली आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग बॉईल नहीं भी करना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, घुइयां को आपको इस तरीके से गोल काट लेना है, या गोल लंबे आप जैसे काटना चाहो। उसके बाद में आपको बिना बॉइल्ड वाली घुइयों को भी बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक का डीप फ्राई कर लेना है। देखिए, अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होने दूंगी, और थोड़ी सी इसकी जो फ्लेम है मैं मिड पे कर दूंगी लो से, और अच्छे से इसको पलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, इसमें मैंने अपनी घुइयाँ के हिसाब से मसाले लिए हैं। इसमें मैंने मिर्च लिया है, धनिया लिया है, और ये देखिए हल्दी लिया है। इसका मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, मैंने हल्दी, मिर्च और धनिया का इस तरीके से पेस्ट बना लिया है जी। और ये देखिए, हमारी घुइयाँ जो कि क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से हमें इसे हर पूरी तरीके से हमें पूरा इसे क्रिस्प कर लेना है। घुइयाँ हो चुकी हैं, अब हम इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। पूरी घुइयाँ हम अपनी निकाल लेंगे अच्छे से, और ये जितना भी आप देख रहे हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको और अच्छा ही फ्लेवर देगा। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें थोड़ी सी अजवाइन हम और ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड मत करिएगा, नहीं तो फिर वो थोड़ी कड़वी लगने लगती है। हमने इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड किया, ये सूखा लाल मिर्च डाल दें, मसाला हल्दी मिर्च और धनिया का है जी, और इसे हम अच्छे से कुक होने देंगे। अगर आपको ऑयल कम लग रहा है, तो आप ऊपर से और भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से इतना ऑयल सफिशियंट है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखिए, जब तक ये हमारा मसाला अच्छे से पकता है, हमें अब ये जो दही लिया हुआ है मैंने, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि दही में कभी भी कोई भी गर्म चीज़ मत डालिए, और दही को भी हमें तुरंत से कढ़ाई में नहीं डाल देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्रिस्पी सी घुइयाँ फ्राई किया है, हम इसमें अपनी ऐड कर देंगे दही में इस तरीके से। अपनी घुइयाँ को हम इस तरीके से दही में ऐड कर लेंगे जी। सारी ही घुइयाँ मैंने देखिए ऐड कर लिया है, और इसे हम अच्छे से डिप कर देंगे कि ये बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से इसमें लिपट जाए।
और ये देखिए जैसे ही ये हमारा कुक हो जाता है, मसाला हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। ये सब मैं अपने भोग का जो मसाला भी होता है ना, मैं सब चीज़ों को अलग रखती हूँ, मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं इसे बिल्कुल कुक अच्छे से कर लूँगी और अब मैं इस स्टेज पे, जब मेरा देखिए मसाला बिल्कुल पक चुका है, मैं गैस बंद कर दूँगी। कभी भी दही का कोई भी आइटम को प्लीज़ आप लोग गैस ऑन में मत डालिए, वरना दही फट जाएगी, पूरा आपका टेस्ट लुक सब खराब हो जाएगा। तो इसको हम 2 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हल्का सा इसे सेट हो जाने देते हैं, ठंडा हो जाने देते हैं। इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, बट नमक थोड़ा हल्का डालिए, आपकी दही के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दही आपकी खट्टी है तो नमक थोड़ा हल्का ही डालिएगा, वरना नमक ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा मसाला जो है पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें अपनी ये जो दही और अरबी है इसको डाल देंगे और बहुत हल्के हाथों से इसे इस तरीके से चला लेंगे जी। और अब हम जब ये अच्छे से इसको छोड़ देंगे, उसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसमें अब हमें गैस ऑन कर देना है। इस तरीके से इसे हम अच्छे से कुक करेंगे और इसमें जो मैंने रखा था दही, इसमें मैं हल्का सा करके इसमें मैं पानी भी ऐड कर दूंगी और अब मैं इसको अच्छे से बॉईल होने दूंगी और अच्छे से कुक होने दूंगी। और ये राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, हमारा महाप्रसाद माता के अष्टमी का। और आप इसे अब बहुत अच्छे से बॉईल होने दीजिए और इसे छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। और ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ी सी ठीक कर लेनी है और अच्छे से पकाते जाना है, इसमें बॉईल आने देना है। और आप चाहो तो इसको 2 मिनट के लिए लिड से ढक भी सकते हो। ये देखिए हमारी कंसिस्टेंसी ठीक हो चुकी है और हमारी दही अरबी ऑलमोस्ट पक चुकी है। आप चाहो अगर तो घुइया को आपको क्या करना है, बॉईल नहीं करना है और आपको घुइये को ऐसे ही अरबी को काट लेना है, अच्छे से डीप फ्राई बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है और दही का जो बिल्कुल दही को पतला कर लीजिए, उसमें आपको उसे सोक कर देना है। फिर आप इस तरीके का मसाला बना करके, दही डाल करके आप वो भी डाल सकते हो। तो चलिए जल्दी से प्रभु माता रानी को सर्व करते हैं। हरी बोल।